हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोया की तरफ से आने वाले BY-M1 माइक की। जैसा कि आपको पता होगा, ये कुछ टाइम पहले तक आपको काफ़ी कॉस्टली अमाउंट में देखने को मिलता था, अप्रॉक्स 1800 या फिर 1900 रुपीस की प्राइस पॉइंट में। बट आज के टाइम में ये आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीस की प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे में अब क्या है कि इसका जब आपको ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, तो यहाँ पे इसके फेक मॉडल्स भी बनना तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में आपको कैसे पता चल पाएगा कि आप जो ये प्रोडक्ट मंगा रहे हो वो जेन्युइन है या फिर नहीं है, इसके ऊपर मैं आज मैं आपको ये कंप्लीट वीडियो बना करके बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑर्डर दिया हूं Amazon की तरफ से आने वाला ये बोया M1 माइक, जो कि मुझे अप्रॉक्स प्राइसिंग इसकी पड़ी है वो है 800 रुपीस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट आपका जेन्युइन निकलता है या फिर नहीं निकलता है, इसे आप कैसे चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि यहां पे क्या है कि आज के टाइम में काफी सारे इसके डमी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, और आपको आप पैसे भी इन्वेस्ट कर दोगे और आपको उसकी अच्छी तरीके की आउटपुट भी नहीं मिलेगी, तो फिर आपको लगेगा कि ये माइक ही खराब है। बट मैं आपको ये आपको यहां पे कंफर्म करने की कोशिश करूंगा कि माइक आपका काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। बस आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहचानना होता है कि आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और आपके पास जो ये प्रोडक्ट पहुंचा है ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या फिर आपको उस सेलर की तरफ से एक फेक प्रोडक्ट सेंड किया गया है। तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए, मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको इसका कंप्लीट वॉइस सैंपल भी दिखाऊंगा कि आपको इसका कैसा आउटपुट देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है अमेजोन की तरफ से आने वाला बॉक्स। तो चलिए फटाफट से इसकी हम लोग सील को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के साथ ही इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके सील को एक साइड से ब्रेक कर लिया है, फाइन। तो यहाँ से ये बिल्कुल से ओपन हो गया है। तो ओपन होने के साथ में ही आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता है एक मेरा बिलिंग यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बिल्ड अमाउंट है मेरा अप्रॉक्स यहाँ पे 800 रुपीज़ का। चलिए इसे साइड में करते हैं। यहाँ पे कुछ इसे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक पेपर्स वगैरह को दिया गया है, तो फाइन। अब यहाँ पे हमारा ये माइक बिल्कुल से निकल के सामने आता है, जो कि है बोया का BY-M1 माइक। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलती है जिसकी कंडीशन तो काफ़ी वैसे ही ख़राब है, और पीछे में यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो फिर आपको ज़्यादा बेटर होगा। और अगर मैं प्राइस की भी से बात करूँ, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मैं इसे फोकस करने का ट्राई करता हूँ। या अभी आप यहाँ देख सकते होगे, यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो अप्रॉक्स 2999 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 3000 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग इसे फटाफट से ओपन करेंगे, और ओपन करने के साथ में आपको दिखाते हैं इसमें आपको क्या कुछ कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पे आपको एक बार कोडिंग देखने को मिलेगी, जो कि स्क्रैच करने का ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ देखने के बाद ही आप इस बॉक्स को ओपन कीजिएगा। तो फ्रेंड है, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे ओपन करते टाइम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका जो सील ब्रेक है, ये सील आपका कंप्लीटली लॉक होना चाहिए। इसके पहले ये अगर ओपन होगा ना, तो ये वाला जो आपका यहाँ पे लॉकिंग है ये ओपन आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल से न्यू है, दैट मीन्स कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ये बिल्कुल से अभी जेन्युइन है, इसे अभी तक किसी ने ओपन नहीं किया है। तो ये हम लोग इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं, और फिर यहाँ से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही इसे हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक पाउच देखने को मिलता है, जिस पाउच में हमें बोया का अपना माइक देखने को मिल जाता है। तो इसे हम लोग यहाँ फिलहाल साइड में रखते हैं, और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या कुछ कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में और दो कंटेंट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पहला यहाँ पे इसका एक यूज़र मैनुअल है, जो कि बोया की तरफ से आता है, जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए गए हैं कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो इसे साइड में कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, जिससे आप इसे वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ कंटेंट जो कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए मेन कंटेंट की तरफ नजर डालते हैं, जो कि है ये बोया का माइक। यहाँ पे आपको एक पाउच मिलता है जिसमें आपको बोया यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे आपको इसकी प्रोडक्ट काफी रियलिस्टिक मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा निकलता है ये हमारा माइक, जो कि आता है एक काफी लॉन्ग वायर के साथ में, और साथ में यहाँ पे इसे कुछ फ्रेश रखने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक काफी लॉन्ग वायर के साथ में ये माइक देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक इसका कंडेंसर, जिसकी मदद से ये नॉइस कैंसिलेशन करने में आपको मदद करता है। तो इसके मैं आपको आगे काफी डिटेल्स बताने वाला हूँ। ये है हमारा माइक, और यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 mm का एक ऑडियो जैक। ये इसकी वायर की लंबाई 20 फीट की है, जिसकी मदद से आप काफी दूर तक के यहाँ पे वॉइस को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर भी जाना चाहें तो इसे लेकर के जा सकते हैं। चलिए पाउच में देखते हैं आपको और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो पाउच में आपको मिल जाता है एक छोटा सा पैकेट, जिसमें आपको इसके सारी एसेसरीज देखने को मिल जाते हैं। लाइक इसका एक यहाँ पे जैक देखने को मिलता है, जिसे आप एम्पलीफायर वगैरह में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल रही है,
एक यहाँ पे आपको कॉलर क्लिप देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप इसे अपने कॉलर पे क्लिप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक फिल्टर मिलता है जो कि यहाँ पे फॉर्म का क्रिएट किया गया है। तो इतने सारे कंटेंट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं और तो इसमें फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले बॉक्स पे आते हैं। बॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रैच कोटिंग का यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसे आपको क्या करना है, स्क्रैच करना होता है। तो इसे आप फाइनली किसी भी चीज़ से स्क्रैच कर सकते हो, आप अपने नाखून का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने क्वाइंस का इस्तेमाल से इसे स्क्रैच कर सकते हो। स्क्रैच करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो आपका एक बार कोड है, इस बार कोड को अपने स्मार्टफोन में किसी भी बार कोड स्कैनर से इसे स्कैन करना होता है। जैसे ही आप इसे स्कैन करोगे, लाइक यूसी ब्राउजर में वो फीचर्स आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो उससे अगर आप इसे स्कैन करोगे तो इसे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा बोया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे जो आप स्क्रैच करोगे, जो आपका कोड निकलेगा वो कोड आपकी वेबसाइट पे करेगा स्क्रैच यहाँ पे आपको स्कैन करने के बाद में। तो अगर दोनों ही कोड आपके सिमिलर मिलते हैं तो जिससे आपको पता चलता है कि आपका ये प्रोडक्ट बिल्कुल से जेन्युइन है। और अगर वहां पे आपको कुछ रॉन्ग मैसेज मिलता है तो जिससे आपको पता चल पाएगा कि ये जो आपका ये प्रोडक्ट है वो बिल्कुल से फेक प्रोडक्ट है। चलिए मैं आपको आगे अब इसका वॉइस सैंपल भी आपको दिखा दूं कि आपको कितने अच्छे तरीके की वॉइस क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि है बोया का BY-M1 माइक। तो इसके आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको इसका वॉइस सैंपल देखने को मिलेगा। सो गाइस, फाइनली अभी जो मैंने ये माइक को है बिल्कुल से कनेक्ट कर लिया है अपने स्मार्टफोन के साथ में, और अभी जो आपको वॉइस की सैंपल्स देखने को मिल रही है वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड हो रही है इसी बोया BY-M1 माइक से। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि आपको कितने खासा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही थी वो रिकॉर्ड हो रहा था उसका ऑडियो हमारे स्मार्टफोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन से, बट अभी आपको सारा यहाँ पे जो वॉइस मिल रहा है वो मिल रहा है इसी बोया BY-M1 माइक से, जो कि आपको काफी दूर से, अगर मैं अभी माइक को अगर काफी दूर करता हूं तो अभी आप देख सकते हो कि ये काफी दूर से भी कितनी अच्छी तरीके की वॉइस को कैप्चर कर लेता है। तो ये एक डिवाइस आपके लिए बहुत ही बेस्ट है अगर आप कोई भी ऑडियो सर्विसेज के लिए वर्क करते हो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए वर्क करते हो, तो ये आपके लिए एक काफ़ी सही चॉइस है। तो इस तरह के अगर आपको यहाँ पे इसके जेन्युइन प्रोडक्ट की अगर जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बताया जैसा, तो आप इसे फॉलो कीजिए जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता चल पा रहा होगा कि आपको कितने अच्छे तरीके की वॉइस क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है। तो मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।